नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पीएमई विद्या चैनल्स। चैनल नंबर 10 पर हम हाजिर हैं लेकर आज का अपना ये लाइव इंटरैक्टिव सेशन लेकर, जो कि है सोशल साइंस का। और सामाजिक विज्ञान के इस लाइव इंटरैक्टिव सेशन में हम बात करेंगे राजनीति शास्त्र की और फेडरलिज्म ऑफ इंडिया। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है राजनीतिक दृष्टि से, नागरिकों के हितों की दृष्टि से और अपनी सरकार को जानने का जो हमारा एक नज़रिया है उस दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आज का विषय है। आप भी हमारे साथ इस लाइव इंटरैक्टिव सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। आप चाहें तो फ़ोन नंबर का प्रयोग कर सकते हैं 8800440559। इस पर यदि आप फ़ोन करेंगे तो आप हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जो स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे सीधे संवाद कर सकते हैं। मिस्टर गोपाल प्रसाद शाही जी स्टूडियो में हैं। गोपाल जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत नमस्कार। राहुल जी आपका और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। आप जो है राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय यमुना विहार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। फेडरलिज्म की बात आज हम करेंगे तो पहला जो एक आम मुझे लगता है प्रश्न होना चाहिए बच्चों के लिए कि फेडरलिज्म को समझेंगे कैसे, है होता क्या है, कैसे पढ़ाना शुरू करेंगे आप क्लास में आज? बिल्कुल, तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने अपने जीवन में कभी न कभी कोई मैरिज पार्टी अटेंड किया होगा या स्कूल का कोई हो सकता है कि फंक्शन आपने अटेंड किया होगा जहां आपके सीनियर्स किसी पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो देखा होगा कि उससे जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के काम होते हैं। या इवन कि अपने अपने घरों में भी आपने देखा होगा कि जैसे शादी का या कोई और ओकेजन हो और उसमें सैकड़ों तरह के काम होते हैं, तो क्या सभी तरह के कार्य एक ही व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं या क्या वहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होता है? या थोड़ी देर के लिए आप मान लें कि सभी दोस्त मिलकर के कहीं पार्टी करने के लिए जा रहे हैं और आपके सभी साथियों ने आपसे कहा कि भाई हम लोग पैसे इकट्ठे करके आपको दे रहे हैं और क्या लंच में डिनर में क्या लेना है नहीं लेना है ये आप डिसाइड करेंगे जी। तो प्यारे बच्चों, आप क्या करेंगे? आप अपनी इच्छा दूसरों के ऊपर थोपेंगे या दूसरों की इच्छाओं का भी ख्याल रखेंगे कि इसकी क्या पसंद है ना पसंद है? और मैं समझता हूं कि उसी तरह से अगर स्कूल का कोई फंक्शन हो या आपके घर का कोई फंक्शन हो जिसमें फंक्शन से जुड़े हुए बहुत सारे कार्य होते हैं, अगर उन तमाम कार्यों को एक ही व्यक्ति के द्वारा संपन्न किया जाता है तो मैं समझता हूं वो सभी कार्यों के साथ न्याय नहीं कर सकता है या बेहतर तरीके से उसको अंजाम नहीं दे सकता है। तो इसीलिए वहां पे एलोकेशन ऑफ वर्क होता है, जो व्यक्ति जिस काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकता है उसको वही काम करने के लिए दिया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था जो है किसी देश अथवा समाज में भी होती है। यहाँ भी सैकड़ों तरह के कार्य होते हैं, तो अगर तमाम तरह के कार्य या तो सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट के द्वारा अगर संपन्न किए जाएंगे तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को शायद इंसाफ नहीं मिल पाएगा या कहीं कहीं तमाम कोशिशों के बावजूद नाराजगी रह जाएगी लोगों के दिलों में। तो इस वजह से बेसिकली होता क्या है कि जो पावर्स हैं उसको डिफरेंट लेवल के गवर्नमेंट में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या उसको हम डिवाइड करते हैं और हर एक का रोल डिफाइंड होता है कि किसको कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है और किसका क्या जुरिस्डिक्शन है, ताकि कहीं से भी ओवरलैपिंग जैसी कोई समस्या ना आए। और पिछले अध्याय में आप लोगों ने दो देशों का उदाहरण तो मैं समझता हूँ कि विशेष तौर पर पढ़ा होगा, एक था बेल्जियम का उदाहरण आपके सामने और दूसरा था श्रीलंका का उदाहरण आपके सामने। आपने देखा होगा कि इसी तरह की समस्याएं बेल्जियम के साथ थी, तो उन्होंने उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार किया। वहां पहले भी मैंने 93 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उससे पहले बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा राज्य सरकारों को कई प्रकार के अधिकार दिए जाते थे, लेकिन चूंकि संविधान में उसका कहीं पे क्लियर कट उल्लेख नहीं था तो उन अधिकारों को कभी भी वापस ही लिया जा सकता था। लेकिन जब वहाँ समस्याएं बढ़ने लगी तो 93 में संविधान के द्वारा वहाँ पे फेडरलिज्म को अपनाया गया और उसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया और अब जो नई व्यवस्था वहाँ पे है उसके तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में न तो दखल दे सकती है न ही उनके अधिकारों को वापस ले सकती है। ठीक इसके विपरीत आपने पढ़ा होगा श्रीलंका में कि किस प्रकार से वहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट है, एक ही लेवल की गवर्नमेंट है और सारी सत्ता उसी के हाथों में केंद्रित है। तो देखते हैं कि वहाँ LTT या और भी कई तरह की समस्याएँ लंबे समय तक श्रीलंका में रही हैं और एक उदाहरण मैं समझता हूँ कि हमारे अपने देश का है, भारत का है, तो हमने देखा है कि यहाँ पे भी कई स्तर की सरकारें हैं
ऐसे तो संविधान जब हमारे देश का लागू हुआ था तो उस समय तो दो ही स्तर की सरकारें हमारे यहाँ पे थी, एक सेंट्रल लेवल की और एक स्टेट लेवल की, और बाद में हमने उसमें जो थर्ड टीयर गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट है, उसको इंट्रोड्यूस किया ताकि बेहतर तरीके से शासन को जो है अंजाम दिया जा सके। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि किसी भी सिस्टम में या पॉलिटिकल सिस्टम में जब किसी पावर को विभिन्न लेवल की गवर्नमेंट के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और हर एक के अपने अपने कार्य क्षेत्र होते हैं, तो इस व्यवस्था को बेसिकली हम फेडरलिज्म कहते हैं या हिंदी में इसे हम संघवाद कहते हैं। जैसा कि हमने बताया कि आपके परिवार का कोई फंक्शन हो, विद्यालय का कोई फंक्शन हो, उस फंक्शन से रिलेटेड तो तमाम तरह के कार्य होते हैं। अगर सभी तरह के कार्य, सभी तरह के निर्णय एक ही व्यक्ति के द्वारा अगर लिए जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि बाकी लोगों को दिक्कत होगी और बेहतर तरीके से हम सभी कार्यों को अंजाम नहीं दे सकते हैं। आप तो अब इसको और आगे कैसे समझा जाएगा कि कैसे सबका ध्यान रखने वाली जो बात आपने कही, हाँ, कि दूसरों की भी इच्छाओं का सम्मान करना है, तो जाहिर सी बात है विविधता की यहाँ पर बात हो रही है और भारत की हाँ जो विविधता है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है। एग्जैक्टली हमारे यहाँ देखें तो जातिगत, धार्मिक, सांस्कृतिक विभिन्न प्रकार की विविधताएं हैं, और इतने बड़े देश में कोई एक व्यवस्था या एक लेवल की सरकार के द्वारा सभी तरह के कार्यों को संपन्न करना ना तो ये मुमकिन है ना ही ये जस्टिफाइड होगा। तो इस विषय पर हम लोग बढ़े और आप देखें प्यारे बच्चों की इस मानचित्र में, इसमें जो रेड कलर से दिखाया गया है ये दुनिया के वे देश हैं जहां पे फेडरल सिस्टम है और इसके तहत दुनिया के 25 देश आते हैं, मात्र 193 जो मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उसमें देयर आर 25 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पे आपको फेडरल सिस्टम है। हाँ जी, और उसमें नक्शे पे आप अपने देश को भी देख सकते हैं और इन 25 देशों में पूरी दुनिया की तकरीबन जो है ना 40% आबादी निवास करती है। और तो प्यारे बच्चों आज के इस पाठ में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, और हालांकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि फेडरलिज्म से क्या अभिप्राय है या उसके कौन कौन से की फीचर्स होते हैं, कैसे हम लोग इस बात का पता लगा सकते हैं कि किसी देश में जो व्यवस्था है वो फेडरलिज्म वाली है या यूनिटरी वाली है, या फिर आगे चल करके हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि दो तरह के फेडरलिज्म होते हैं, एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, और इसके उदाहरण को भी जानने की कोशिश हम लोग करेंगे। इसके बाद है कि भारत में किस तरह की व्यवस्था है या वो कौन कौन से फीचर्स हैं, कहते हैं कि व्हाट मेक्स इंडिया या फेडरल कंट्री, और फिर आगे चल करके जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और रेसिड्यूरी पावर्स है, इन चीजों के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार से जो एक तो होता है थियोरिटिकल एस्पेक्ट और प्रैक्टिकली उसको कैसे लिया जाता है, किस तरह से वो फंक्शन करता है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप भारत में किस प्रकार का रहा है या हमारे यहाँ किस तरह से पावर को डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई है, अर्थात डिफरेंट लेवल्स के गवर्नमेंट के बीच में सत्ता को बांटने का प्रयास किया गया है, इसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे आप इस स्लाइड के माध्यम से, एक तरफ हमारा नेशनल गवर्नमेंट है और एक तरफ जो है स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया गया है और बीच में फेडरेशन है, तो फेडरेशन के माध्यम से सेंटर और स्टेट्स दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, और प्यारे बच्चों आप देखेंगे जैसे सिंपली हमने पहले ही कहा था कि फेडरलिज्म क्या है, इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। जैसे अगर हम अपने देश की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट है और फिर 28 जो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बीच में शक्तियों का विभाजन, तो फेडरलिज्म यानी जहां कहीं भी दुनिया में फेडरल सिस्टम है वहां पे शक्तियों को केंद्र सरकार और उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं उसके बीच में शक्तियों को बांटा जाता है। अब हम लोग यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे हम लोग जानेंगे कि किसी देश में फेडरल सिस्टम है या नहीं है। तो देखें इसमें कई सारे इसके फीचर्स हैं, उसमें से कुछ फीचर्स को यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे एग्जांपल के लिए देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कि एटलीस्ट दुनिया के जिन देशों में फेडरल सिस्टम होता है वहां कम से कम दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें हो सकती है। अगर मैं भारत से एग्जाम्पल को कोट करूं तो हमारे यहाँ जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो दो लेवल की गवर्नमेंट है। उसी तरह से है कि डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजंस बट ईच गवर्नमेंट हैज पावर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। बेसिकली फेडरलिज्म में क्या होता है कि हर एक जो टीयर की गवर्नमेंट है, हर एक लेवल की जो गवर्नमेंट है वो एक ही मैंने नागरिकों के ऊपर शासन करते हैं। जैसे अगर हम यूएसए की बात करें वहाँ 50 स्टेट्स हैं, तो जो वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट है वो भी उन्हीं नागरिकों के ऊपर शासन करती है, और जो 50 राज्य हैं वो भी
उन्हें जो है लोगों के ऊपर शासन करती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो पावर्स होते हैं यानी क्या जुरिस्डिक्शन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्या होगा आपको स्टेट गवर्नमेंट का, इसमें ये अंतर होता है। और दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं यानी कोई भी एक दूसरे के मैटर में इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से कहते हैं कि द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कि किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक कैरेक्टर है तो उस कैरेक्टर को किसी एक लेवल की गवर्नमेंट के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता है। उसमें जैसे अगर हम लोग भारत में ही देखें तो कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जिसको चेंज करने के लिए हमें पार्लियामेंट के जो मतलब प्रेजेंट होते हैं वोटिंग कर रहे होते हैं ना केवल उनके 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है बल्कि आधे से अधिक जो हमारे देश के राज्य सरकारें हैं वहां के भी लेजिस्लेटिव असेंबली से हमें अप्रूवल लेना पड़ता है। तो अगर कोई मेजर चेंज, कोई अगर बहुत बड़ा चेंज आप कॉन्स्टिट्यूशन में लाना चाहते हैं तो उसके लिए केवल एक ही लेवल की गवर्नमेंट जो है उसी का अप्रूवल सफिशियंट नहीं होगा बल्कि उसके साथ साथ राज्यों की भी सहमति आवश्यक होती है। और इस तरह की व्यवस्था फेडरल सिस्टम में होती है। उसी तरह से देखा गया है कि कहते हैं कि द जुडिशियरी प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड रीजनल गवर्नमेंट इन एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर। हम सब जानते हैं कि जैसे अगर भारत की ही बात करें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है तो उसको हम कहते हैं इंटरप्रेटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसको लेकर के सेंटर और स्टेट्स के बीच में किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको एक्सप्लेन करने का राइट जुडिशियरी को है और उस मैटर को सॉर्ट आउट करने का भी अधिकार जुडिशियरी को होता है। कहते हैं सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, कि कौन कौन से ऐसे मैटर्स होंगे जिसमें केंद्र सरकार का अधिकार होगा, कौन कौन से ऐसे मैटर्स होंगे फाइनेंशियल मैटर्स जिसमें सोर्सेस ऑफ जो रिवेन्यू है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी होगी। तो ये क्लियरली डिफाइंड होता है कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि किसी भी तरह से कोई कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे क्रिएट नहीं हो। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कई फीचर्स हैं और आप देखें कि जनरली जो फेडरलिज्म के फीचर्स हैं कि जैसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है या सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर के कोई भी नहीं है, सभी लोग लॉ के जो है अंडर हैं, या कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जैसा मैंने पहले ही कहा कि शक्तियों को विभिन्न स्तरों पर विभाजित किया जाता है, या कई देशों में बाइकैमरल सिस्टम होता है जहां पे पार्लियामेंट के दो चैंबर्स होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहां पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दो सदन है। उसी प्रकार से जुडिशियरी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है ताकि वो ये अपने तमाम तरह के जो अधिकार हैं उसका बेहतर तरीके से नागरिकों के हित में इस्तेमाल कर सके, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं हो। या देखा होगा कि अगर जुडिशियरी ने कोई भी मान लो कि जजमेंट अगर दिया है और उसमें रिव्यू की अगर गुंजाइश है या लेजिस्लेचर के द्वारा कोई कानून पारित किया जाता है और ऐसा लगता है कि उसके ऊपर पुनर्विचार करने की जरूरत है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से वो कानून नहीं बना है तो उसमें भी बदलाव करने का अधिकार हमारे देश की जुडिशियरी को होता है। तो फेडरल सिस्टम में किसी भी देश में जहाँ कहीं भी फेडरल सिस्टम होता है तो जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होती है। इसी प्रकार से अगर देखें तो तमाम तरह के जो फेडरल सिस्टम दुनिया में हैं आज के तारीख में तो उसको मोटे तौर पर जो है हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन से, तो इसमें क्या होते हैं कि जितने भी यूनिट्स हैं जितने भी सेंटर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एक तरह से हम कह सकते हैं यूनिट्स या पार्टनर हैं वो आते हैं और वो ये अपनी सॉवरेनिटी की पुलिंग करते हैं, एक तरह से वो डिपॉजिट करते हैं और बदले में क्या होता है कि उनकी आइडेंटिटी बनी हुई रहती है और सेफ्टी की गारंटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। जैसे अगर हम लोग देखें कि दुनिया के किन देशों में कमिंग टुगेदर फेडरेशन के बेहतर उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं तो इसके तहत तो आपको जैसे USA है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है, इन देशों में कमिंग टुगेदर जो है फेडरेशन है। और दूसरा होता है कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जैसे कि जो अपने देश में है जैसे भारत में है, स्पेन में है, बेल्जियम में, इसमें बेसिकली क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सी अपनी शक्तियों को राज्य सरकारों में ट्रांसफर कर देती है या राज्य सरकारों को दे देती है और दोनों मिलके इसमें भी बेसिकली जो है आपको सुप्रीमेसी एक तरह से कहें सेंट्रल गवर्नमेंट की रहती है, लेकिन बहुत से ऐसे कार्य क्षेत्र होते हैं जिसमें अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, बहुत से जो है क्षेत्रों में आपको राज्य सरकारों का इख्तियार होता है। तो हमारे देश में क्या है जैसे उसको हम लोग कहते हैं होल्डिंग टूगेदर फेडरेशन से, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने शक्तियों को विभिन्न स्तरों पर विभाजित कर रखा है, हर एक स्तर की
सरकार के रोल डिफाइंड हैं, उनके जुरिस्डिक्शन डिफाइंड हैं, ताकि यह बेहतर तरीके से हर स्तर की सरकार को मालूम हो कि कौन से काम हमें करने हैं और कौन से काम हमें नहीं करने हैं। तो अगर हम लोग देखें कि बहुत सारे जो फेडरल कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं फेडरलिज्म के, अगर उस हिसाब से देखें तो जैसे पहला ही कि उसमें दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती है, तो अपने देश में भी जब कानून बना था तो पहले तो दो ही स्तर की सरकारें थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और आपको स्टेट गवर्नमेंट, और बाद में हमने देखा कि 1992 में थर्ड टीयर की जो गवर्नमेंट है, हालांकि इसका प्रोविजन तो पहले से भी था लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं था जो लोकल गवर्नमेंट जैसे हम लोग कहते हैं। हाँ जी, जैसे गाँव में ग्राम पंचायत है, शहरों में नगर पालिका या नगर निगम होता है, तो पहले बेसिकली क्या होता था हिंदुस्तान में कि समय पर चुनाव नहीं होते थे, वो उनको कोई काम करने नहीं दिया जाता था, या बहुत ज्यादा उनके जो सोर्सेस ऑफ रिवेन्यू वो उनके पास नहीं होते थे, तो उस तरह की कोई इफेक्टिवनेस जो है लोकल गवर्नमेंट में नहीं देखने को मिलती थी। लेकिन जब हम देखते हैं कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, तो उसके बाद से हमारे देश में क्या देखने को मिलता है कि लोकल गवर्नमेंट को भी ज्यादा पावरफुल बनाया गया, और मैं समझता कि ये ठीक भी है। अच्छा। खास करके भारत जैसे बड़े देश में जहां करोड़ों लोग निवास करते हैं, तो किसी भी एक लेवल के गवर्नमेंट के लिए या टू लेवल्स के गवर्नमेंट के लिए यह पर्याप्त नहीं है कि वो जनता से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं को बेहतर तरीके से एड्रेस कर सके। अब जैसे अगर आप मान लो कि उत्तर प्रदेश की बात करें, तो इसकी आबादी आपको रशिया से कहीं ज्यादा है, या हम लोग महाराष्ट्र के तमाम देश है जो उत्तर प्रदेश में समा जाएंगे। हाँ हाँ, या उसी प्रकार से अगर देखें महाराष्ट्र की बात करें, तो वो जर्मनी के बराबर जो है आबादी में है। तो बहुत सारे यूरोप के ऐसे ऐसे देश हैं जो हमारे राज्य की जनसंख्या की तुलना में वहां जनसंख्या काफी कम है। तो मुझे लगता है कि जैसे दो ही स्तर की सरकार की व्यवस्था करने के बावजूद मुझे लगता है कि जनता से जुड़ी हुई कई तरह की समस्याएं होती हैं। और इससे भी बड़ी बात क्या होती है कि जैसे जो लोकल गवर्नमेंट होती है, तो कौन मैंने लोगों से जुड़ी हुई जो स्थानीय समस्याएं हैं, एग्जैक्टली, तो उसको वो बेहतर तरीके से जो है जनता भी समझती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को वो अकाउंटेबल ठहरा सकती है। और मुझे लगता है कि अगर तमाम तरह की मैंने जैसे अगर उत्तर प्रदेश में अगर 25 करोड़ की आबादी है, तो न जाने कितनी समस्याएं होंगी, और तमाम समस्याएं अगर उत्तर प्रदेश सरकार के अगर पास आती है, तो मुझे लगता है कि वहां भी बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ जाएगा, या एक्यूमुलेशन ऑफ जो वर्क है वो बहुत अधिक हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि लोकल लेवल के गवर्नमेंट को भी हम सशक्त करें, ताकि जो स्थानीय स्तर की समस्याएं हैं उसको उसी लेवल पर बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सके, और राज्य सरकारें उनके अधीन जो काम दिया गया है या उनके काम में बहुत अधिक बढ़ोतरी नहीं हो, उनका वर्कलोड अधिक ना बढ़ने पाए। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो और भी कई चीजें हैं, खास करके कहते हैं कि व्हाट मेक्स इंडिया या फेडरल कंट्री। हमने कहा कि हमारे देश में राहुल जी कि तमाम तरह के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो मैटर्स हैं, उसको हम लोग मोटे तौर पे तीन हिस्सों में बांटते हैं। एक है यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। तो हम लोग सबसे पहले कहते हैं कि यूनियन लिस्ट, तो वे विषय वैसे मुद्दे जो राष्ट्रीय हित के हैं, जिसमें मैंने नेशनल इंपॉर्टेंस जिसमें जो है ना प्रमुख होता है, और उसमें एक किस्म की यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, तो उन विषयों के ऊपर जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लोग डिफेंस की बात करें, हम लोग फॉरेन अफेयर्स की अगर बात करते हैं, या करेंसी की बात करते हैं, या इस तरह की और बहुत सारी बैंकिंग सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, रेलवे की बात करें, तो अगर इस पे रीजनलिज्म अगर हावी हो जाएगा, अगर इस पे रीजनल गवर्नमेंट का डोमिनेंस होगा, तो मुझे लगता है उसका जो नेशनल कैरेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो वैसे विषय जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, उन विषयों पर कानून बनाने का अख्तियार जो है वो यूनियन गवर्नमेंट को है, उसे हम लोग यूनियन लिस्ट कहते हैं। तो प्रारंभ में इसके अंतर्गत 97 जो है आपको सब्जेक्ट्स आते थे, और वर्तमान में ये 100 है। उसी तरह से स्टेट लिस्ट में अगर देखें, तो जिन विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य की सरकारों के पास है, उसे हम लोग स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स कहते हैं। पहले इसमें आपको 47 थे, सॉरी इसमें 66 थे, और अब उसे जो है 61 कर दिया गया है। तो 66 ऐसे सब्जेक्ट हैं, ऐसे मैटर्स हैं, जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार पहले स्टेट गवर्नमेंट को था, और आज की तारीख में ये रिड्यूस होकर के 61 हो गया है। उसी प्रकार से कंकरेंट लिस्ट वैसे मैटर्स, वैसे सब्जेक्ट हैं, जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को है, यानी उन विषयों के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकते हैं।
और इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो द रूल मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिवेल। अगर बाय द वे एक ही विषय के ऊपर राज्य सरकारें भी कानून बनाती है और केंद्रीय सरकार कानून बनाती है, और उसमें अगर किसी किस्म का कोई मान लो कि टकराव उत्पन्न होता है, तो जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून हैं वो कानून लागू होंगे। कि जैसे इसमें कई उदाहरण है, एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियन है, मैरिज है, एडॉप्शन है, सक्सेशन है, इस तरह के जो तमाम विषय है, इन विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र की सरकार और राज्य सरकार दोनों को है। और थोड़ी देर के लिए मान लें कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स अगर ऊपर के इन तीन सूचियों में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो कंकरेंट लिस्ट है, उन तीनों ही सूचियों में अगर बाय द वे नहीं अगर है, तो उन्हें हम लोग किस में देखते हैं, रेसिडियरी पावर्स, या जिसको हम कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां, बची हुई शक्तियां। तो जैसे जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था उस समय इस तरह के विषय कम ही थे, और आज जैसे हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, आज के हम लोग साइबर टेक्नोलॉजी या साइबर क्राइम की अगर बात करते हैं या स्पेस टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं, तो इस तरह के विषय उस समय नहीं थे जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तो इन विषयों को हम लोगों ने किसके अंतर्गत रखा है, रेसिडियरी पावर जो है, और अल्टीमेटली इन विषयों के ऊपर भी कानून बनाने का अधिकार किस सरकार के पास होती है, तो केंद्रीय सरकार के पास होती है। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि इस पीपीटी के माध्यम से यूनियन लिस्ट के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, क्या उसका कैरेक्टर होता है, स्टेट लिस्ट में कौन कौन से विषय आते हैं और कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन से आते हैं, उसको दिखाया गया है। उसी प्रकार से अगर हम लोग आगे यहाँ पे भी देखें, जैसे हमने कहा कि बैंकिंग है, आपको डिफेंस है, करेंसी है, फॉरेन अफेयर्स या कम्युनिकेशन है, इस तरह के तमाम जो विषय हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट इन विषयों के ऊपर कानून बना सकते हैं, और इसे हम लोग यूनियन लिस्ट के मैटर्स या सब्जेक्ट्स कहते हैं। उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आने वाली विषयों के ऊपर कानून बनाती है, पुलिस है, ट्रेड है, एग्रीकल्चर है, इरीगेशन है, और बीच में देखा होगा आपने, आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, इन विषयों के ऊपर दोनों ही स्तर की सरकारें कानून बना सकती है, और हम लोग इसको कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची कहते हैं। अगर हम लोग देखें कि कहते हैं कि फीचर्स ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म, तो कहीं पे भी फेडरेशन शब्द का जिक्र भारत के संविधान में नहीं हुआ है। इसको कहा गया है एक यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ कहा गया है। और हम सब जानते हैं कि हमारे देश को जब 1947 में आज़ादी मिली, तो उसके साथ एक विडंबना भी रही या एक दुखद घटना ये रही कि धर्म के आधार पर हमारे देश का विभाजन हो गया जी। और 1947 से ही, या कहें कि उससे भी पहले, हमारे देश में एक मांग लंबे समय से उठती रही है कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हो, यानी एक भाषा भाषी के लोग एक राज्य विशेष में रहेंगे, तो न केवल प्रशासन में सहूलियत होगी बल्कि आपस में संवाद करने में भी जो है ना आसानी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो देश के विभाजन का दंश था वो लोगों के मन मस्तिष्क में था, तो वो नहीं चाहते थे कि अगर हमने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अगर कर दिया या इस चीज को हमने स्वीकार कर लिया, तो कहीं और जो है ना फर्दर देश का जो है ना विभाजन ना हो या किसी और किस्म की दिक्कत ना आ जाए, या उस समय जैसे जो देशी रियासतें 565 देशी रियासतें हमारे पास थी, और उन सभी जो है ना देशी रियासतों का भारत में विलय, वह भी एक मैराथन टास्क से कम नहीं था। लेकिन खैर, हमारे देश के जो नेता लोग थे उस समय के, उनकी जो सूझबूझ, उनकी जो दूरदर्शिता थी, उसके द्वारा बहुत ही बेहतर तरीके से, मैं समझता हूँ, देशी रियासतों का विलय किया गया। और आगे चल करके हम लोग देखते हैं कि भाषा के आधार पर, जैसे आपको ये आंध्र प्रदेश पहला जो है ना, कि जो तेलुगु भाषी लोग हैं उसके आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन होता है। फिर 1956 में जो आपको राज्य पुनर्गठन जो आयोग है भाषा के आधार पर, उसको लागू किया जाता है, और कई राज्य बाद में हमारे देश में बनाए जाते हैं। लेकिन हमने देखा कि इस तरह से, मैंने जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि एक ही भाषा को सभी लोगों के ऊपर थोपे, या एक व्यक्ति की या एक राज्य की जो पसंद नापसंद है, अगर उसको हम सभी लोगों के ऊपर थोपने का प्रयास करेंगे, तो मैं समझता हूं कि उसके बहुत बेहतर या सार्थक परिणाम नहीं होंगे। तो इसलिए हमने राज्य पुनर्गठन आयोग को स्वीकार किया, और भाषा के आधार पर कई राज्य बने। और आप देखें तो हमारे देश में श्रीलंका या दुनिया के और देश, अगर सोवियत संघ की ही बात करें, जिस तरह से मान लो आप 90 के दशक में उसका विखंडन हुआ, तो उस तरह की स्थिति हमारे देश में नहीं आई। तो जैसा कि आपने पहले भी कहा था कि जहां पे इतनी सारी विविधताएं हो, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर,
पर, तो एक जाति, एक धर्म, एक भाषा की पसंद नापसंद को सभी लोगों के ऊपर नहीं थोपा जा सकता है। और यही हमारे देश के संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और आप देखें कि हमारे देश में संविधान के द्वारा विभिन्न राज्यों को अलग अलग तरह के अधिकार दिए गए हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पहले पता होगा कि जम्मू कश्मीर को भी धारा 370 और 35A के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। बहुत सारे जो भारत सरकार के कानून थे वहाँ की विधानसभा के अप्रूवल के बगैर वो लागू नहीं होते थे। हालांकि बाद में हमने उन जो है ना स्क्रैप कर दिया, यानी उन जो है विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। लेकिन अभी भी आप देखें बहुत सारे की कुल मिलाकर के हमारे देश में 12 ऐसे राज्य हैं, महाराष्ट्र है, गुजरात है, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसको अलग अलग जो है ना आर्टिकल के तहत अलग अलग अधिकार दिया गया है। जैसे अगर महाराष्ट्र और गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में जैसे वहाँ के राज्यपाल को, महाराष्ट्र के राज्यपाल को ये अधिकार दिया गया है कि गुजरात में सौराष्ट्र के लिए, कच्छ के लिए अलग बोर्ड का जो है ना वो गठन कर सकते हैं। या उसी प्रकार से आप देखें तो महाराष्ट्र में भी विदर्भ है, मराठवाड़ा है, उसके लिए अलग से बोर्ड बनाया जा सकता है। या उसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों को हमने अलग अलग जो है ना अधिकार दिए हुए हैं ताकि किसी राज्य विशेष की जो एक अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी जो एक आइडेंटिटी है वो भी बनी रहे। तो हमने देखा कि कई बार क्या होता है कि अगर हम अपने जो है ना राज्यों को अधिक से अधिक अधिकार देते हैं, उनकी जो संवैधानिक दायरे में उचित मांगे अगर उनको स्वीकार करते हैं, तो मुझे लगता है कि वैसी स्थिति में केंद्र और राज्य के बीच में एक बेहतर तालमेल देखने को मिलता है और उससे जो है ना हमारा संघवाद कहीं सशक्त होता है बजाय कमजोर पड़ने के। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो और भी कई इसके अंतर्गत चीजें हैं, जैसे उदाहरण के लिए कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स हमने कहा ना कि पहले कि जैसे देखें ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, जैसे आप देखें या किसी राज्य विशेष की अपनी जो संस्कृति है या उसकी जो एक भौगोलिक पहचान है उसके आधार पर, जैसे 2000 में ही आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बनाया गया, या उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखंड बनाया गया, या जैसे बिहार से अलग जो है आपको झारखंड का निर्माण किया गया, या फिर देखते हैं कि 2014 में आपको आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना का निर्माण किया गया। और आज की तारीख में भी बहुत से राज्यों में अलग अलग जो है ना राज्य या प्रांत बनाने की मांग जो अब भी उठ रही है। तो मुझे लगता है कि अगर ठोस कारण हो तो निश्चित रूप से उस पर गौर किया जाना चाहिए और इससे कहीं भी हमारे देश की जो एकता और अखंडता है वो खतरे में नहीं पड़ेगी बल्कि और वो सशक्त होगी और वो मजबूत होगी जो है। ठीक है, आप देखें कि जैसे हिंदी की अगर बात करें तो देश में कुल मिलाकर के आपने देखा होगा कि 40% लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, तो 60% लोग जो है हिंदी नहीं बोलने वालों में से हैं। तो इसलिए हमारे देश में क्या है कि जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को जो है ना शामिल किया गया, उसको जिसको हम लोग अनुसूचित भाषाएं कहते हैं। ठीक है, और वो आप PPT के माध्यम से देख सकते हैं। अच्छा, उसी तरह से बड़ी ही खूबसूरती से जब देश को आज़ादी मिली तो था कि भाई अगर हिंदी को हमने राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया तो दूसरे प्रांतों में कहीं जो है ना अपनी भाषा को लेकर के या हिंदी थोपने के नाम पर विरोध ना हो तो हमने इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया और साथ ही साथ अंग्रेजी को भी बनाए रखा कि अगर ऑल ऑफ सडन हमने स्विच ओवर किया मैंने ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश से हिंदी में तो कहीं दिक्कत ना हो, या राज्य सरकारें जो है अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी दूसरे लैंग्वेज को भी आपको ऑफिशियल लैंग्वेज वो डिक्लेयर कर सकती है, उसमें सरकारी कामकाज हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो है ना राज्य सरकारों की जो जेन्युइन मांगे हैं उनको स्वीकार करके भारत ने एक बहुत ही बेहतर उदाहरण पूरी दुनिया के सामने कायम किया हुआ है। जी, तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ कि और भी कई बातें डिस्कशन के लिए हैं, लेकिन अब तक आपने इस 20-25 मिनट के कार्यक्रम में क्या सीखा, कहीं नहीं क्या नहीं सीखा, उसको लेकर के एक छोटा सा जो है आप देखें कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन सी आर नॉट फाउंड इन, कि किसमें इस तरह की जो है ना होल्डिंग टुगेदर, जैसे हमने अभी शुरू में ही बताया था तो इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, इन तीनों देशों में पाया जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है डी है, उसी तरह से। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया है। उसी तरह से आपने देखा होगा कि है कि सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कम्स इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेसिडियरी लिस्ट, तो इसमें रेसिडियरी पावर्स में जैसा कि हमने कहा। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखें कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ कमिंग टूगेदर फेडरेशन,
तो प्यारे बच्चों, पहले ही हमने कहा था कि यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के जो देश हैं वहाँ पे क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन का की वहाँ पे व्यवस्था है। उसी प्रकार से है कि व्हाट इज द थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट नॉन एज, तो तीसरे स्तर की जो सरकार हमारे देश में है उसको किस नाम से जानते हैं, विलेज पंचायत, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिला परिषद। ये है नहीं, ये है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। एक्चुअली ग्राम जो है ना, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, वहां भी तीन स्तर होता है, तो वो जो है ना सबसे ऊपरी स्तर को हम कहते हैं। उसी तरह से अगर देखें व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग सोर्सेस ऑफ रिवेन्यू इन अ फेडरल सिस्टम, तो इसमें क्या होता है कि सोर्सेस ऑफ रिवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। ठीक है, तो हमने शुरू में ही कहा था कि सोर्स ऑफ इनकम या सोर्स ऑफ रिवेन्यू क्या होंगे हर एक लेवल की गवर्नमेंट के, तो ये क्लियरली किसमें जो है स्पेसिफाइड होता है, उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। उसी तरह से अगर देखें, सिक्स्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग अ यूनिटरी गवर्नमेंट, तो इसका ऑप्शन डी देखें, द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी नहीं दी जाती है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पावर देती है और अपनी मर्जी से कभी विड्रॉ कर सकती है। और लास्ट के दो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट, तो इसमें अगर आप देखें तो ये चार उदाहरण दिए हुए हैं, तो इसमें जो है न्यूज़पेपर, सेंसस, फिशरीज मार्केट, तो न्यूज़पेपर है जो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, और एक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, तो अगर हम लोग इसमें अगर देखें तो करेंट जो कॉन्करेंट लिस्ट है, जो जो सेकेंड लास्ट जो ऑप्शन है जिसमें कम्युनिकेशन है, वो इसके अंतर्गत नहीं आता है, ये यूनियन लिस्ट का मैटर है। तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ कि आपकी जो क्लास है वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब भी मौके मिलेंगे तो निश्चित रूप से मैं उन समस्याओं को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। जरूर भेजिएगा, आप क्लास 10th की हमारी ईमेल आईडी का भी प्रयोग कर सकते हैं। सर, आप यहां तक आए, आपने आज का हमारा ये फेडरलिज्म का पाठ पढ़ाया, समझाया बच्चों को, और जो कंसेप्ट है उसे क्लियर करने की कोशिश की, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। धन्यवाद आपका और तमाम बच्चों को। हमारा ये सोशल साइंस का सेशन यही समाप्त होता है, कहीं मत जाइएगा, अगला सेशन लेकर हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में मैथमेटिक्स का। देखते रहिए पीएमई विद्या चैनल्स। नमस्कार।